वेलकम टू माय चैनल। और आज हम न्यूमेरिकल्स ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले टोटल प्रोबेबिलिटी क्या थी हमारे पास। सबसे पहले टोटल प्रोबेबिलिटी का जो बेस है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्या होगा कि सबसे पहले दो काम होंगे। ठीक है, दो काम होंगे, उनसे जो पहला और दूसरा, ठीक है, पहले काम से E1, E2 जितने भी इवेंट EN तक इवेंट बनेंगे। ठीक है, दूसरे काम से ए बनेगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि इसको नाम ए दें, इसको बी भी, मतलब है तो ये एक इवेंट ही, एक है तो काम ही, लेकिन अब E1 E2 में क्या कंडीशन थी हमारे पास कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए। ये कंडीशन थी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, जितने भी इवेंट हो कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। लेकिन ए क्या था, एक ऐसा इवेंट जो इनके एसोसिएट करने पर बने। ठीक है, इनमें कुछ कॉमन तो नहीं है, लेकिन ए एक ऐसा इवेंट है जो क्या है, एसोसिएट विद ऑल इवेंट्स, सभी इवेंट्स से एसोसिएट करे, ए ऐसा इवेंट है। ठीक है, थोड़ी कंफ्यूजन जरूर है यहां पर कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक तो ये कि इनमें कुछ भी कॉमन ना हो इस तरीके से। ठीक है, जितने भी हो EN तक, मतलब इनकी इंटरसेक्शन 5 हो, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन एक है कि एक ऐसा इवेंट होगा जो इन सभी से जुड़ेगा। ठीक है, एग्जांपल से हमें क्लियर था कि एक सैंपल स्पेस है, इसमें दो इवेंट है। ठीक है, E1 क्या था, ब्लैक कार्ड के लिए, और E2 था रेड कार्ड के लिए, और सैंपल स्पेस था 52 कार्ड्स या फिर पैक ऑफ कार्ड्स। ठीक है, दोनों इवेंट अलग है, कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन इन दोनों से एक ऐसा इवेंट जुड़ा ए, एक ऐसा इवेंट जुड़ा ए। ए क्या था कि किंग होना चाहिए, किंग ब्लैक भी हो सकता है रेड भी हो सकता है, दोनों इवेंटों से जुड़ा है, लेकिन इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक ऐसा इवेंट बन सकता है जो इन सब इवेंटों से एसोसिएट करे, सब इवेंटों से। ठीक है, ए सब इवेंटों से एसोसिएट करना चाहिए। ठीक है, अब न्यूमेरिकल हमारे पास किस तरीके से कि ए बैग कंटेन्स, सबसे पहले, ठीक है, एक बैग है, ठीक है, उसमें दो व्हाइट हैं, 4 ब्लैक बॉल हैं, इस तरीके से। ठीक है, एक दूसरा बैग है जिसमें 6 व्हाइट हैं, ठीक है, और 4 ब्लैक कलर की बॉल हैं, इस तरीके से। ठीक है, अब किस तरीके से है कि वन बैग ही चूजन एट रैंडम। ठीक है, अब काम किस तरीके से हुआ, क्या था हमारे पास कि दो काम होंगे, ये बेस है टोटल प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, या फिर थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, कि दो काम होंगे, पहला काम क्या हुआ कि वन बैग ही चूजन एट रैंडम। ठीक है, अब किस तरीके से, जैसे काम, जैसे हमारे पास यहां से दो पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब पहला काम है ये कि एक बैग चूज कराया है। ठीक है, एक बैग को चूज किया है, अब बैग थे ए और बी, अब ये तो नहीं लिखा है यहां पर कि पहले को चूज किया गया फिर दूसरे बैग को, ए बैग है बी बैग है, पहली कंडीशन यही से है कि वन बैग ही चूजन एट रैंडम। ठीक है, तो हमारे पास काम किस तरीके से हो सकता है, या तो ए चूज किया होगा या फिर बी, तो प्रोबेबिलिटी इसकी अलग से निकलेगी, इसकी अलग से निकलेगी, और दोनों की जुड़ेगी, क्योंकि यहां पर ये नहीं है कि इनमें से कौन सा बैग चूज किया है, इसीलिए दोनों की प्रोबेबिलिटी ऐड होगी। यहां तक क्लियर है। अब आगे काम किस तरीके से हुआ है कि फ्रॉम द सिलेक्टेड बैग, जो भी बैग सिलेक्ट हुआ, या चाहे तो ए हुआ चाहे बी हुआ, क्योंकि दो ही बैग थे हमारे पास इसलिए। ठीक है, अब क्या है कि वन बॉल इज ड्रोन, जो भी बैग है इसमें से ए बैग या फिर बी बैग, उसमें से एक बॉल निकाल ली, एक बॉल निकाल ली, या तो ए में से एक निकली या फिर बी में से एक निकली। ठीक है, अब क्या होनी चाहिए, फाइंड दी प्रोबेबिलिटी कि जो बॉल निकाली वो व्हाइट कलर की होनी चाहिए, वो चाहे तो ए इवेंट से हो, मतलब पहले बैग से, या फिर दूसरे कलर से व्हाइट कलर की बॉल होनी चाहिए, ये हमारे पास। ठीक है, तो अब इस न्यूमेरिकल को सोल्व करने के, ठीक है, या तो ये तरीका हो सकता है, या तो ये तरीका हो सकता है, या फिर ये तरीका हो सकता है, दोनों तरीके पॉसिबल है। अब जरूरी नहीं है कि हमने कि हमें पता हो कि ये टोटल प्रोबेबिलिटी का न्यूमेरिकल है, ठीक है, या फिर टोटल प्रोबेबिलिटी का केस है। ठीक है, इसको हम, जरूरी नहीं कि इसको इसी तरीके से हम इसको अगर डायरेक्ट समझे, तो जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी की हमें डायरेक्ट निकालना हो, कि हमें नहीं पता कि ये
टोटल प्रोबेबिलिटी का है या फिर मल्टीप्लीकेटिव लाओ प्रोबेबिलिटी या फिर इंडिपेंडेंट इवेंट है, इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट है, जैसा अब तक पढ़ा था, हमें सिर्फ न्यूमेरिकल से मतलब है। ठीक है, जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है क्या होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी किसकी होनी चाहिए कि एक बॉल निकले वो व्हाइट कलर की होनी चाहिए, मतलब इसकी और इसकी, इसको इवन मान ले एक तरीका है, तो पहले काम को इवन मान ले हम मान सकते हैं, दूसरे काम को E2 इस तरीके से मान सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी होगी जो रिक्वायर जो चाहिए हमें क्या हो सकती है, चाहे तो वो इवन इवन काम से होगी कि पहला बैग चूज किया ए उसमें से व्हाइट कलर की बॉल निकाल ली, ठीक है, या फिर और कहें यहां पर प्लस कहें यहां पर यूनियन कहें, तीनों बात एक ही है। ठीक है, और किसकी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की, चाहे तो ये जो काम हुआ है काम कौन सा कि एक बैग को चूज किया और फिर उसमें से व्हाइट कलर की बॉल निकाल ली, मतलब या तो ये तरीका या फिर ये तरीका और दोनों तरीकों को ऐड किया है, यही पढ़ा अब तक हमने कि मतलब जब हमें टोटल प्रोबेबिलिटी से कोई मतलब नहीं है कि हमें सिर्फ न्यूमेरिकल निकालना हो इस तरीके से। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, इवन का मतलब इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी, अब इस इवेंट की बारी, सबसे पहले इस इवेंट में क्या काम हुआ है कि सबसे पहले पहले बैग को चूज किया है, पहले बैग को चूज किया मतलब ए बैग, ठीक है, इस बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी चाहिए हमें, चाहिए, ठीक है, इसमें दो काम हुए हैं, दो काम मतलब अगर हम इसको पहला इवेंट इवेंट के भी सब इवेंट मान सकते हैं या फिर दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे जैसा अब तक हमने पढ़ा था। ठीक है, मतलब इसको अगर सी इवेंट माने इसको डी माने, ए और बी तो बैग है लेकिन सी और डी इवेंट है, ठीक है, और E1 के सब इवेंट हैं सी और डी, ये भी है। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, सी सबसे पहले है क्या, सी सबसे पहले है क्या कि पहले बैग को चूज करना, अब इसकी प्रोबेबिलिटी, अब हमारे पास दो बैग हैं, सबसे पहले दो बैग हैं ए और बी, इसमें से या तो ए और बी हैं, ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इवेंट है ए और बी बैग है, ठीक है, सी इवेंट की प्रोबेबिलिटी मतलब इसका मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी किसकी, ए पहले बैग की किसके बराबर होगी, इस बैग की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हैं, 1, नीचे सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस में टोटल बैग है कितने, 2 है, यही इसका सैंपल स्पेस है, बस इस तरीके से। ठीक है, ये तो था इस E1 इवेंट का पहला इवेंट सब इवेंट सी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, डी का मतलब क्या है, डी का मतलब क्या है, पहले बैग में से व्हाइट कलर की बॉल निकली, पहले बैग में से व्हाइट कलर की बॉल निकलनी चाहिए, पहला बैग हमारे पास ये जिसमें 2 व्हाइट हैं 4 ब्लैक बॉल हैं और एक बॉल निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होगी, ऊपर नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस व्हाइट कलर की होनी चाहिए तो कितनी है, 2, नीचे सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस में दोनों का सम, पहले बैग में जितनी बॉल है कितनी है, 6, लेकिन यहां पर एक पॉइंट वही है कि यहां पर ये एक्चुअल में 2 है, ये इस टाइप का है, बस ये ध्यान रखना है, ये C1 टाइप का है, मतलब 2 व्हाइट कलर की बॉल है उनमें से एक सेलेक्ट करनी है, इस एक का मतलब क्या है, क्योंकि एक ही बॉल निकाल ली है, इसीलिए एक्चुअल में 2C1 है, वो एक अलग बात है कि ये 2/6 के बराबर होता है, ये अलग बात है, यहां पर नीचे सैंपल स्पेस में से भी तो एक सेलेक्ट हुई है, इसलिए 2/6, 1/3, जब एक बॉल सेलेक्ट की हो तब प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, और जब 2 या फिर 2 से ज्यादा हो जब तब आंसर कुछ और होता है, वहां पर हमने ये पॉइंट भी ध्यान रखना बस। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की चाहिए थी हमें, जो रिक्वायर प्रोबेबिलिटी हमें आंसर तो यहां से निकलेगा, किसके बराबर थी, E1 की, E1 का मतलब सबसे पहले काम पूरा कब होगा, जब एक बैग सेलेक्ट हुआ और साथ में व्हाइट बॉल निकली, इस बात का मतलब जो वर्ड आया बीच में साथ में, या फिर कहें हम एंड या फिर इंटरसेक्शन, मतलब जब ए बैग को सेलेक्ट किया उसी समय व्हाइट बॉल निकाल ली है। ठीक है, तो इसलिए बीच में मल्टीप्लाई का साइन रहेगा, ये बताओ कि मल्टीप्लाई का साइन क्यों रहा, बस। ठीक है, तो E1 की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होगी, इस इन दोनों इवेंटों की मल्टीप्लाई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी और डी की मल्टीप्लाई, मतलब 1/2 मल्टीप्लाई का साइन, मल्टीप्लाई का साइन 2/6 या फिर कहें 1/3, इसको 2/6 रख लेते हैं।
ठीक है, फिर प्लस का साइन, यहां पर मल्टीप्लाई का साइन है, क्यों है, क्योंकि ये काम जो काम हुआ, काम पूरा जब होगा जब एक बैग को चूज करें साथ में व्हाइट कलर की बॉल निकले, जब काम पूरा हुआ, ठीक है। अब दूसरा काम किस तरीके से, कि हो सकता है बी बैग चूज हुआ हो, जैसे ए बैग की प्रोबेबिलिटी थी 1/2, तो बी की भी तो 1/2 होगी इसकी। अब इसको हम ई और एफ मान सकते हैं, सब इवेंट मान सकते हैं टू के, जैसे यहां पर सी और डी मानने थे इसी तरीके से, ठीक है। 1/2 मल्टीप्लाई का साइन, क्यों, दो काम होने साथ में, ठीक है, और व्हाइट कलर की बॉल दूसरे बैग में से, दूसरे बैग में 6 व्हाइट कलर की बॉल, तो 6 नीचे सैंपल स्पेस, दूसरे बैग का सैंपल स्पेस, जितनी बॉल है कितने, 6 और 4 10 इस तरीके से, ठीक है। और ये भी इस तरीके के हैं, ठीक है, 6/10 लिखे या फिर ये C1 इस तरीके से, क्योंकि एक बॉल सिलेक्ट हुई है, आगे सिर्फ कैलकुलेशन है, ठीक है। तो यहां पर किसके बराबर होगा, 2 से कैंसल पहले में, ठीक है, तो 1/6 प्लस का साइन, यहां पर 2 से 3 तो 3/10 इस तरीके से, ठीक है। अब सोल्व करें इसको, किसके बराबर होगा, सबसे पहले एलसीएम होगा इसका, जैसे डायरेक्टली 60 एलसीएम है या फिर 30 का, दोनों एक ही बात है, ठीक है। 60 के लिए यहां पर 10 और यहां पर 18, ठीक है, तो किसके बराबर होगा, 28/60 या फिर कहें हम 14/30, दो से कैंसिल और एक बार दो से फिर से कैंसिल दोनों जगह, ये आंसर है 7/15, ठीक है, 7/15। अब ये तो था जब हमने टोटल प्रोबेबिलिटी से कोई मतलब नहीं, ये इस तरीके से, मतलब हमें यहां से सोचना है कि काम किस तरीके से होगा, जितने तरीके हुए उनको ऐड किया है, बस इस तरीके से, यही आंसर है। अब टोटल प्रोबेबिलिटी के लिए सबसे पहले क्या बेस था, कि दो काम होंगे उनसे E1 E2 बनेंगे और दूसरे काम से A बनेगा, बस। अब इस न्यूमेरिकल को एक बार फिर से पढ़ते हैं, दो बैग थे, पहला बैग क्या, पहला जो काम हुआ, पहला काम क्या हुआ कि एक बैग को चूज किया है, एक बैग को चूज किया, तो पहला काम तो यही है, पहला काम तो यही है कि बैग को चूज किया है, और दूसरा काम कि उसमें से एक व्हाइट कलर की बॉल निकालनी है, यही तो है। पहला काम क्या है कि एक बैग को चूज किया, वो हो सकता है ए हो, वो हो सकता है बी हो, और दूसरे काम से क्या बनेगा हमारे पास, ए बनेगा, ठीक है। अब जो ये हमने डायरेक्ट इस तरीके से सोल्व किए, इसको अगर हम रिक्वायर प्रोबेबिलिटी कहें, जैसे E1 और E2 की ऐड की, अगर हम इसको नाम दें, अगर इसको नाम दें, ठीक है, किस तरीके से, जो ये 1/2 लिखा, 1/2 लिखा, 1/2 था क्या हमारे पास, कि ए बैग को सिलेक्ट किया, अगर हम इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, जैसे इसको तो पूरे को E1 माना है, पूरे को मतलब पहला बैग सिलेक्ट हुआ साथ में व्हाइट कलर की बॉल निकली, E1, ये है मल्टीप्लाई का साइन। अब 2/6, 2/6 का सबसे पहले मतलब क्या था, कि पहले बैग में से व्हाइट कलर की बॉल होनी चाहिए, मतलब पहला काम हुआ बैग को चूज किया, वो हो सकता है ए और बी, यही से इवेंट बने, ए और बी के इवेंट है, यही से E1 E2 बने, यही से E1 E2 बने, और जो व्हाइट कलर की बॉल निकली उससे ए बनेगा, बस उससे क्या बनेगा, ए, जो ये 2/6 है, 2/6 है ये, अब इसको ध्यान से समझना है कि 2/6 यहां पर भी 1/2, लेकिन यहां पर 6/10 है, यहां पर 2/6, इस 2/6 का मतलब कि पहले बैग में से व्हाइट कलर की बॉल निकाल ली है, यही मतलब है 2/6 का, पहले बैग में से व्हाइट कलर की बॉल निकाल ली है, बस यही कंडीशन है। इस पर कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है कि पहला बैग, फर्स्ट बैग, यही तो इसकी कंडीशन है। एक तो डायरेक्ट व्हाइट कलर की बॉल निकालने, वो पहले में से हो सकती है, दूसरे में हो सकती है, लेकिन यही तो कंडीशन है इसकी, पहले बैग में से, और पहले बैग को क्या नाम दिया हमने, E1 इवेंट, पहले बैग का नाम है ए, लेकिन जो काम हुआ उसको नाम दिया E1, इसीलिए, ठीक है। तो ये 2/6 लिखा डायरेक्ट, इसका मतलब पता है क्या है, प्रोबेबिलिटी है ये किसकी है, किसकी है, ए की है, ए क्या मानना हमने, जो दूसरा काम हुआ इससे ए, ये है ए, और जो ये 1 बैग ही चूजन है ट्रेंडम, इससे E1 और E2 बने हमारे, यही तो था बेस, कि दो काम होंगे, पहले से E1 E2 जितने इवेंट होने हैं, दो बैग थे इसलिए दो इवेंट हुए, और दूसरे काम से ए बनेगा, दूसरा काम है व्हाइट कलर की बॉल निकालनी, इससे ए बना, तो ये क्या 2/6 व्हाइट कलर की बॉल है, मतलब ए, लेकिन कब है, लेकिन कब है, जब पहला बैग सिलेक्ट हुआ, मतलब पहला इवेंट हुआ हो, इस तरीके से,
यही तो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, यही है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। बीच में प्लस का साइन है, बीच में प्लस का साइन है, 1/2, 1/2 ये किसके लिए था, ये बी के लिए था, ये के लिए नहीं था, ये बी के लिए था, तो इसको हम E2 मानेंगे। जैसे दो बैग हैं, उनमें से एक बैग सेलेक्ट किया, वहीं से E1 E2 बने, तो ये है E2 की, इंटू में प्रोबेबिलिटी ये 6/10, लेकिन है किसकी। अब जैसे यहां पर A/E1 लिखा, इसमें भी तो व्हाइट कलर की बॉल निकाल ली, मतलब ए, लेकिन कब कब, ये अब दूसरे बैग से निकली है, दूसरे बैग, दूसरा बैग मतलब दूसरा काम हुआ, मतलब ये E2 इवेंट से, A/E2, यही तो है, यही तो है जो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी या फिर थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला पढ़े हमने, किसके बराबर था कि ए क्या था कि एक ऐसा इवेंट जो सभी इवेंटों से जुड़ा हो, जो व्हाइट कलर की बॉल निकाल ली वो पहले बैग में से निकल सकती है, दूसरे में भी, मतलब इन दोनों इवेंटों से जुड़ा है, किसके बराबर लिखा था फॉर्मूला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी, पहले इवेंट की, मल्टीप्लाई का साइन उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इस तरीके से, प्लस का साइन दूसरे इवेंट की सिंपल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लाई का साइन फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए के साथ, और प्लस का साइन चलता रहेगा जितने इवेंट हो, यही फॉर्मूला था। अब ध्यान से है, अब जो ये निकाला हमने, ये रिजल्ट निकाला, ये ए ही की तो प्रोबेबिलिटी है जो ये फाइंड आउट किया हमने 7/15, ये ए की तो प्रोबेबिलिटी, क्यों, क्योंकि ए इवेंट क्या था हमारा, व्हाइट कलर की बॉल होनी चाहिए, ठीक है, व्हाइट कलर की बॉल होनी चाहिए, इस तरीके से, यही तो था ए, व्हाइट कलर की बॉल निकालनी है हमें, वो एक अलग बात, वो पहले बैग में से आई या फिर दूसरे में से, इसलिए दो टर्म आई, दो टर्म है, बीच में प्लस का साइन है, इस तरीके से, इसको इस तरीके से समझे या फिर डायरेक्ट समझे, बात एक ही है, बस इसमें इसको इस बस ये यहां पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या फिर कहें सभी इवेंटों की, ये फॉर्मूला था किसका हमारे पास, ए इंटरसेक्शन E1 का, या फिर इसको कहें मल्टीप्लीकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, मतलब जितने इवेंट हैं उन सभी की मल्टीप्लीकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, E1 की अलग, E2 की अलग, सभी को जोड़ दिया, ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, इस तरीके से न्यूमेरिकल सोल्व करने, किसी भी तरीके से समझिए हम इसको, ठीक है, दोनों ही ठीक है, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तब तक के लिए थैंक यू।